तो उन्होंने कहा कि हमारी ये डोर नाम की पकड़ लो और हमारे पास चले आओ। तो नाम की डोर पकड़ी तो वह फौरन उनके पास पहुंच गए, सामने खड़े हो गए। साक्षात्कार ईश्वर का दर्शन, खुदा का दीदार सामने, घाट का सब सामने कर। उन्होंने कहा हम बहुत खुश हैं, हम रास्ता देते हैं, तुम ऊपर जाओ। तो उन्होंने रास्ता दिया तो उधर, उधर का मतलब ये पेट नहीं, उधर वहाँ अंडर आया, उधर में बहुत चौड़ा, जितना ये संसार इससे भी ज़्यादा चौड़ा मैदान है, उसमें खड़े हो गए। तो वहाँ रचना ये तो मृतलोक में पांच तत्वों की है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, और वहाँ लिंग है, तत्व की रचना है, दस इंद्रिया है, चतुसंताकरण और मन रजोगुण तमोगुण सतोगुण। तो मन और बुद्धि और चित्त, ये चार तो ये हो गए, दस इंद्रियां, दस चार चौदह, और रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ये तीन हो गए सत्रह तत्वों का लिंग शरीर है। वो इससे सुपुरियम, यानी ये तो कष्टदायक, उसमें ये बीमारी नहीं, लिंग शरीर में ये बीमारी नहीं, इस धर्म के भोग नहीं है, ऐसी दवा नहीं खाते हो, जिस तरह से यहाँ होता है वैसा वहाँ कामकाज नहीं, आराम से। और उसके ऊपर में सूक्ष्म शरीर है, जब इसको पार हो गए तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पांच तो ये हो गए, और मन बुद्धि चित्त और अहंकार, पांच चार नौ, नौ तत्वों का शरीर है, वो उससे भी बहुत साफ शुद्ध है, पवित्र है। इसमें इंद्रिया नहीं, उसमें है रजोगुण तमोगुण तत्वगुण नहीं, ये छूट जाएगा, बस शब्द पर ध्रुव रस गंध और मन बुद्धि चित्त और अहंकार उस सूक्ष्म शरीर में। और सूरज जब उधर परे जाएगी तो फिर पांच तत्वों का शरीर है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और न वहाँ मन है, न बुद्धि है, न चित्त है, न अहंकार। और वो जब ऊपर उधर उतरेगी तो उसके ऊपर कोई शरीर नहीं, तो शब्द रूप हो जाती है। यही दो आंखों के पीछे ये बैठी हुई है सूरज जीवात्मा, इसको रूप कहते हैं सोल, यही फिर शब्द रूप हो जाएगी, शब्द ही शब्द, शब्द मिलकर, शब्द में मिलकर यह शब्द रूप हो गई। अब इसके ऊपर में कोई मोटा तत्व नहीं है, यहाँ लाने का कोई मोटा तत्व नहीं, उसमें ये मिल गई। और वहाँ मानसरोवर में इस संसार के करोड़ों गुना क्या, अरबों गुना बड़ा मानसरोवर तालाब है, कह दो तालाब में लेकिन थे अरबों गुना बड़ा, उसमें सब सुरते स्नान करती हैं, वहाँ जो रहती हैं तो रहती हैं, लेकिन वो सब हंस रूप में रहती हैं। जब स्नान किया तो इसी सूरत का, जो दोनों आंखों के पीछे बैठी, इसी सूरत का, इसी जीवात्मा का, इसी रूह का, बारह बारह ईश्वर से यानी खुदा से ज्यादा प्रकाश हो जाता है, बारह गुना ज्यादा रोशनी, बारह गुना ज्यादा लाइट इस सूरत की हो जाती है जो यहाँ आज बैठी। ये तत्वों में लाकर कमजोर कर दी गई और प्रकाश उसका बढ़ गया, प्रकाश बढ़ गया इसका, और फिर बिल्कुल एकदम छोटी हो गई। जब दोनों आंखों के पीछे बैठी तो और भी छोटी, क्योंकि इस पर पाप पुण्य की गंदगी लग गई, तो बिल्कुल एकदम से आलोप हो गई गंदगी में। अब ये नहीं पता है कि हम क्या है, कुछ नहीं मालूम। तो इसका पता महापुरुषों ने सब लगाया, और महापुरुषों ने देखा, तब इनसे कहा कि भाई तुम तो दरवाजे पे बैठे हो और तुम ये सब कहा क्या करते हो। अमूलक निधि, अमूलक जवाहरात, जो सोना चांदी और ये सब मिट्टी है, और वो अमूलक जवाहरात जो चेतन चेतन है, उसको प्राप्त करना चाहिए,
जो सर्वदा जीवात्मा की सूरत की रक्षा करे, रखवाली करे, तो अपने को पता ही नहीं इसमें लगे हुए काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, आशा में, तृष्णा में, इसमें काम, लोभ, अहंकार, इसमें फंसे पड़े हो, यही खाने पीने में इसी में ढूंढते हो कि इसको गाली देंगे तो इससे मिल जाएगा, इसको मार देंगे तो इससे कुछ मिल जाएगा, और इससे कुछ ले लेंगे तो कुछ मिल जाएगा, यही सब आनंद की खुराक फिराक। लेकिन यहाँ कुछ भी खुराक लो और कुछ भी मतलब ये उपाय करो, यहाँ है ही नहीं है। बहुत आपने आंखों से देखा लेकिन फिर भी तमन्ना होती है और मिले देखने को, यहाँ तो अच्छा नहीं है लेकिन और जगह अच्छा होगा। सुनने को आप बहुत गाने बजाने आपने सुने लेकिन उसमें कुछ है नहीं, तो आपकी इच्छा होती और बहुत तरह के आपने यानी व्यंजनों के स्वाद लिए लेकिन अभी तक यही कामना है कि और जगह कहीं है। हर तरह की आपकी वासना चारों तरफ दौड़ रही है, वहाँ मिल जाएगा वहाँ, लेकिन कहीं भी दौड़ोगे यह नहर है, वो आनंद रहेगा। आनंद जब मिलेगा अपने निजी घाट पर दोनों आंखों के पीछे आकर यहाँ बैठोगे और यहाँ से शुरू करोगे तब मिल जाएगा, वो भी आपके साथ कोई जानकार चाहिए, जो जानने वाला ऊपर जाने आने वाला वो तो ले जाएगा और जो जानता नहीं हो कुछ और कुछ नहीं करेगा। तो आपको तो बगैर मांगे और बगैर इच्छा जगे हुए और आपको तो मतलब घेर घार कर और ये जबरदस्ती दिया जा रहा कि तुम अपनी चीज ले लो, अपना धन ले लो, यानी आपकी इच्छा नहीं थी। ये नहीं जानते थे कि हम क्या चीज हमको मिलेगी, कुछ नहीं, और तुम कुछ लेने भी नहीं आए थे। ऐसे आए सुनकर के क्या कि हमारे कष्ट दूर हो जाएंगे, तकलीफ दूर हो जाएगी, बाबा जी के पास जाएंगे कुछ आशीर्वाद, कुछ दुआ मिल जाएगा, दुआ आशीर्वाद तो सब मिल जाए, लेकिन तुम आशीर्वाद लेते कब हो, दुआ कब लेते हो, दुआ अगर तुम्हें मिले तो फेंक देते हो, तो फिर तुम्हारे पास तो कुछ रहता नहीं, जब तुमने फेंक दिया तो फिर क्या रहेगा। जो बताते हैं कि तुम इस तरह से रखो दुआ को, रखो आशीर्वाद को, तो तुम्हारा लाभ करे, तो बढ़ते बढ़ फेंक दिया तो थाम, रोकथाम करने वाला कोई तुम्हारी है नहीं, ये बताए रोकथाम करे, तो इसलिए जो चाहते हो वो करते हो। एक मजदूर है, मजदूरी करता, मालिक आया, उसने कहा देखो ये काम है ये आप दिन में कर देना, क्या जी बात, वो तो चला गया तो अपना बस चुपचाप अपना बैठा सोया। शाम को जब मालिक आने को हुआ तो बड़ुआ उठाया खोदने लगा, उसने कहा भाई हम तो तुमको काम दे गए थे तो तुमने तो कुछ नहीं कहा, जितना उतना किया, यानी चोरी की, झूठ बोला, धोखा दिया, काम चोरी, और कहता पैसे दे दिए पूरे, पैसे में कोई कमी नहीं, काम कुछ नहीं, तो अब चोरी की भावना, काम चोरी की, लोग सब के सब करने लगे कि ये हम नहीं करेंगे, पैसे पूरे चाहिए, तो बताओ बरकत तुमको कैसे मिलेगी, दुआ कैसे मिलेगी, जब आप काम नहीं करते हो और चाहते हो कि हमको पूरा मिल जाए तो कैसे मिलेगा, अगर मिल भी जाएगा तो तुम्हारा खत्म हो जाएगा, उससे तुम्हें लाभ नहीं मिलेगा। तो ईमानदारी मेहनत के साथ, तो आपने काम तो छोड़ दिया, अब बरकत नहीं मिल रही, तो महात्मा किस बेसिस पर, किस आधार पर आपको दे, रखने का तुम्हारा जो बर्तन है वो तो रखने का है ही नहीं, बर्तन तो आपने बहुत ही अति गंदा कर दिया, तो उसको थोड़ा मांजने की जरूरत है, तो जब आप जानते ही नहीं कि कहाँ की मजाई करे, सफाई करे, तो कैसे, तो अतिशय रगड़ करे जो कोई, इधर दरवाजे पे बैठ करके अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंद्र से, जब इधर में जो अंधेरा है, आँख बंद है, कान बंद है, नाका बंद है, इधर में जो रगड़ करता, तो वही रगड़ से फिर कहते ज्वाला,
कर्म तो साफ हो जाएंगे, अरे कर्मों की तबाही होगी, तो एकदम से झलक आने लगी। तो जो महात्माओं ने कहा कि थोड़ा सा बर्तन अंतःकरण है उसको तो जरा साफ हो जाने दो, तो कुछ नहीं, इनको कुछ पता ही नहीं अंतःकरण का, तो ये सब लेते हैं यहाँ। अब इनको अभी तो बताया कि भाई अंतःकरण तो इधर है, ये हृदय तो, दिल तो, हाथ तो इधर है, ये इधर कहाँ से आया? कर्म सब इधर जमा होते, जहां पानी कभी जाए नहीं, तुम दिन भर डूबे रहो नदी में या कुएं में डूबे रहो तो पानी में नहीं जाएगा, ना वहां कोई जहर जाएगा, ना वहां कोई तलवार जाती, अग्नि में नहीं जाएगी, अग्नि तो नीचे तुम्हारे हित को जला देगी, वहां नहीं जा सकती अग्नि, छू करके भी नहीं जाएगा, ऐसी जगह उसने तुम्हारे पाप पुण्यों को रखा। और तुम किसी महात्मा से नहीं पूछते हो कि हम ये पाप और पुण्य हम किस तरह से इसको जलाएंगे, वो झुकी दे तो उसको करो जल्दी में, तो जल्दी हो जाए काम, तो आपको समझ नहीं आता। इसलिए तुम बड़े भागशाली हो, तुमको अचानक ये चीज नर नारियों को पकड़ा दी गई कि अब जरा सा थोड़ी सी तुम मेहनत करो, ये रगड़ करना रगड़, थोड़ी सी तुम करो थोड़ी हम करें तो जल्दी ही कृपा हो जाए। अब तुम अगर सचेत हुए और विवेक हुआ तब तो लग गए, तब तो काम हुआ, और इधर से लिया उधर डर दिया, ताके में जाकर के डर दिया, भूल गए, जब कभी मिले तो पूछा भाई तुमने कुछ याद किया कुछ किया, कह रहे हम तो सब भूल गए, हमने तो कुछ ना भजन किया ना हमने ध्यान किया, हमको तो समय खो दिया तुम। इसलिए तुम अपने आप धोखा खाते हो और इसमें फंसते हो, तो ये उबारेगा? ये कर्म जो है पाप पुण्य उबार के ले जाएगा, ये तो तुम्हारे अंदर बेड़ियां बांधेगा, एक सोने की और एक लोहे की, और ऐसा बांधेगा यहाँ हथकड़ी डालेगा पैर, समझ गए, और छोड़ नहीं सकता। तो जो पुण्य करेगा उसको तो सोने की बेड़ी, और जो पाप कर्म करेगा लोहे की, बस देगा और डाल देगा यहाँ चौरासी में, ले जाएगा नरकों में, और फिर तुम्हारी अच्छी तरह से पिटाई करेगा। बताओ किससे प्रार्थना करोगे, कौन है बचाने वाला? कोई तुम्हारी इस आवाज को कोई सुनेगा? वो जानते ही नहीं कहाँ गए, और उसके ऊपर में ये दूरी दशा हो रही है। इसलिए महात्मा जो आप आते हैं वो इसी धन को जीवात्मा को जगाने के लिए, नाम के साथ। अभी आप नाम जानते ही नहीं हो, नाम जो बोलता हो, नाम आवाज देता है, कहता भाई हम तो तुमको बुला रहे, तुम हमारी आवाज को सुनते ही नहीं हो, और जब सुनने लगो तो आवाज तुम्हारी देने लगे, और फिर सब तुम्हारी आंख कानों के साथ आंखों के साथ प्रकट हो जाए, और तब कहोगे हमको ऐसी अद्भुत वाणी जो हमने कभी कल्पना भी नहीं की कि ये हमको सुनने को मिलेगा, और वो मिलने लगी, तब उसको मतलब ये है आनंद बरसता है, और फिर दुनिया एक तरफ खड़ी हो जाए, और वो एक तरफ रहे तो हिला नहीं सकता कोई भी, उसको बहका नहीं सकता, कुछ भी कहो आप बहका नहीं सकता। जब सच्ची थी, सच्चा रास्ता, सच्ची चीज मिली, जीवात्मा उसके साथ जुड़ गई और आनंद ले रही, तो इसको कौन मोड़ेगा? कोई नहीं, एक देवी घर में भजन करके उसका पति कहीं गया और रह गया, अब भजन करने लगी और उसको जब होने लगा तो कहेगी तुम क्या करती हो ढोंग? अरे हम ढोंग नहीं करते, तुम चले जाओ, जो हमको मिला तुम ही ले आओ, हमको तुम अपनी बुद्धि से समझते हो ढोंग, तो हम ढोंग ही है तो हम छोड़ नहीं सकते, तुम अभी चले जाओ, हमको कोई कम नहीं, अगर तुमको कुछ लेना है तो वहां चले जाओ और वहां जाके ले आओ, जो हमको मिला वो आपको मिल जाएगा, वहां कोई इनकार थोड़ी है, अगर हमारे लिए दरवाजा खुला तो तुम्हारे लिए भी खुला रहेगा। तब चुप हो गया, चुप हो गया, फिर
तो कोई सतंगी आया, उसने कहा अरे ऐसे बोलना बालना नहीं, नहीं तेरा बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा, इसको परमार्थ की दौलत मिल रही है, ये तेरी बात क्या सुनेगी, ये कुछ नहीं सुनेगी। इसके ऊपर नशा चढ़ गया। तो कहने का मतलब यह है, दुनिया एक तरफ और वो एक तरफ, वो हिला डुल सकता, जब वो देख रहा सती सत को देख रहा उजाले में खड़े होकर के, तो उसको कोई धोखा दे सकता है। आप तो अंधेरे में कल्पना में हो, इसमें ये होगा है और कुछ नहीं, इसी में बधे हुए। और वो देख रहा बेचारा, जिसकी आँख खुल गई कान खुल गए, उसको किसको मोड़े, अरे तुम ही 15-20 दिन लग करके कर लो भी तुम्हारी आँख और कान खुल जाए कौन मोड़ेगा। इसलिए महात्मा जो देते हैं तुम्हारे भले के लिए देते हैं। हम तो सब स्थानों पर जितने भी लोग वहां स्थानीय, इन काफले वालों से कहा कि तुम मैदान में नहीं बैठोगे, तुम अपनी गाड़ियों के पास दूर रहोगे, वहां बैठ के सुनो गाड़ियों के पास, मैदान में स्थानीय जनता को आने दीजिए। इन सब लोगों ने पूरा पूरा पालन किया, स्थानीय जनता को पूरा मौका दिया और इतनी जनता आई सब स्थानों पर, इतनी आई कि सब लोग ये कहते हैं कि आज तक ये सारी जिंदगी हो गई, हमारे सामने कभी ऐसा नहीं मिला और ये मतलब आगे भी नहीं मिलना, जहां देखिए वहीं, जहां देखिए वहीं सुनिए, यहां भी यही कह रहे हैं। यानी यहां भी आज 34 दिन है, 34 दिन है, हमने किसी दिन छोड़ा नहीं पूरा। मतलब ये है कि आगरा से शुरू किया फतियाबाद और फिर मुड़ेना, ग्वालियर और भिंड, दतिया, चले गए टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, पन्ना, कटनी, आपके मतलब मैयर, ततना, रीमा, सहडोल, सीटी, ये सब जितना भी किया है, 2-3 शहर छोड़कर बाकी सब देहातों में। और कहां से जनता आई वो किसी को पता नहीं, कैसे भाग के आई, यानी ये किसी को नहीं मालूम कि सड़कों पर कतार लगी है, वहां हाथ जोड़े बच्चे छोटे छोटे और पुरुष स्त्रियां ऐसे खड़े। ये है इस काफले के दृश्य को दर्शन देने के लिए ये तबका, और स्थान पर 40 किलोमीटर इधर 40 इधर, 40 इधर 40 इधर, कहां से आ रहे हो, कह रहे मैं 25 किलोमीटर से पहाड़ों से आ रहा हूं, ये सब पहाड़ों से आ रहे, कोई इधर से आ रहा कोई इधर से, और एकदम से समय से 4 बजे के पहले एकदम भर गया, जैसे ही भर गया। इसी तरह से कहीं भी कोई चीज खाली नहीं, और ये हमारे जो 7 काफले वाले, ये इनको ये नहीं था कि बाबा जी ने कहा कि अब कि हम तुमको दिखाएंगे, ये नहीं था। अब ये चक्कर में तो इनका तन, इनका मन, इनका धन अब की बार सब सफल हो गया, और खुशी इनको हुई कि मैं दौड़ा कर रहा हूं, मैं मतलब साथ साथ, और यहाँ जमीन में लेटता हूँ, और मतलब यह है कि कहीं पानी नहीं है तो कहीं पेड़ नहीं है, इस तरह से, और ये एकदम लगे रहे, छोड़ा किसी ने, ये बराबर 34 दिन यानी मतलब कल तक चलते रहे, आज गए नहीं तो सुबह 5 बजे निकल जाते, सब चले जाते, 3 बजे घंटी बजती है, सब नहा धो करके सब तैयार होकर के बस। तो ये तो मैं आने आपको सूक्ष्म और जो जो बातें वहां की, वो तो मतलब ये कि आप क्या कहेंगे, इनकी बात तो सुनिए, ये जो है, ये जो आए हुए, आप हमसे क्या पूछते हो, ये सामने जो बैठे हैं, ये असली है चीज कि अब की बार लोगों को मिला, बहुत लोगों का लाभ हुआ।
फायदा हुआ। एक आदमी आया बंदूक लेकर के कि हम डकैत, तो हमने कहा भाई तुम कोई भी हो, हम तेरे तो कोई मतलब नहीं, लेकिन आज सत्संग सुन लो। कह लगे मैं इसीलिए आया और मैं बंदूक लेकर के जाता हूँ, खाली मैं कहूँगा कुछ नहीं, ऐसे घुमा दूंगा तो यहाँ सब आ जाएंगे। हमने कहा नहीं, उनके आने की जरूरत नहीं है, आप आना, आप यही बैठे रहो। वो आपने कहा कुछ नहीं है, यहीं बैठे रहो और फिर उनको देखना, यहाँ ऐसा नहीं मत करो कि हम चले जाएंगे तो हमारी वजह से आए, नहीं आप मत जाओ। खेले अच्छी बात तो वहाँ रहा, और एकदम से जब भीड़ आई तो हमने पूछा उनसे, हमने तुम्हारी वजह से आए, तुम गए थे बुलाने? खेले हमने गए, तो फिर कैसे आए? तुम ईश्वर के मतलब काम में दखलंदाजी कैसे कर सकते हो यार? तो कह लगे ये बंदूक रखी, अब आज से काम कभी ठीक करो। जब सत्संग सुन लिया और उसको नामदान दिया और बताया उसको, तो कह लगे ये बंदूक धरी, अब ठीक करना, नहीं तो ऐसे बंदूक दिखाया। तो बताइए आप लोग जो है अपने दुष्कर्म को जब समझ आती है और दया होती है, संयोग मिल जाता है, छोड़ देते हैं। बहुत छोड़ा, एक दो करोड़ों आदमी। मैंने जो कर्नाटक में जो दौड़ा किया वो इसी तरह से भी, कर्नाटक में काफला गया तो दो ही जिले छूटे हैं, वो भी एक चलते में एक गांव तो पड़ गया था, लेकिन बाकी सब जिले किए पूरे, तो दो जिले छूटे, उसमें एक कोने पर एक गांव पड़ गया। तो मैं दो जिलों को मानता हूँ, ऐसा सघन दौड़ा किया कि वहाँ बचा कोई नहीं है, जितने लोग सब चले आए। तो ये जो किया है सब जगह पर, तो आपको तो मालूम है, आपको पता नहीं, तो इसलिए ये जीवात्मा इधर बैठी है, ये उसका निजघाट है और वो सुगम है, बहुत सहज है, बहुत आसान है, सरल है। और कलयुग में नाम को जल्दी से यानी जगाओ और उसको सुनने लगो, उसको पकड़ो तो गाय गाय नर उतरे पारा। जब उसको पकड़ोगे, नाम को, आवाज को पकड़ोगे, शब्द को पकड़ोगे, साउंड को पकड़ोगे, वो बाजा बज रहे उसको पकड़ोगे, घंटे और घड़ियाल तुम्हारे मनुष्य रूपी मंदिर में ये घमासान बज रहा, जब वो सुनने लगोगे तो ये सब भूल जाओगे, ये सब भूल जाओगे, घमासान बज रहा। ये मंदिर है ए बच्चे बच्चियों, मनुष्य शरीर मंदिर है, ये पुरतों का देवियों का मंदिर है, इसमें बैठ करके 2400 घंटे घड़ियाल घंटे घड़ियाल तमाम झांझ मजीरा और तमाम आरती और कीर्तन 2400 घंटे यानी देवबाणी और उसकी ब्रह्मबाणी ये आयते और कलमा तमाम होता रहता। इधर जब थोड़ा मंजन करो इसका तो रगड़ से साफ हो जाए। अरे वो सूरज जो जीवात्मा उसकी आँख निकल आए, जो उसकी बंद हो गई ऊपर का मैल छूट जाए और वो साफ निकल आए, तो इतने इतनी रोशनी है, ये कुछ नहीं है, ये सूरज की रोशनी कुछ नहीं, ये तो गर्म है, उसकी रोशनी बहुत ठंडी, बहुत ठंडी, लेकिन है कितनी, एक बालू का कण उसके लाख टुकड़े कर दिए जाए उससे भी सूरज छूट गया। इसलिए शरीर में आले में कैसे आ सकती, क्योंकि शरीर के अंदर तो है नहीं, ये तो महात्माओं ने इसको बरामद किया, जब उन्होंने इसको बरामद कर लिया तब उसे मालूम हुआ, नहीं तो सबको लोभ हो गया, रास्ता ही जो सुगम था वो लोभ हो गया। इसलिए कलयुग केवल नाम को पकड़ो, चलो घर, आवाज है, ये नहीं कि मोदे कहते हैं कि हम कोई नाम कहो कुछ कहो कीर्तन करें तो इससे इससे नहीं, अंदर में जीवात्मा से उसको सुनो पकड़ो चलो और चलो घर पहुंचो, उससे इससे नहीं। इस वजह से बहुत गाने गाते रहते, इससे काम नहीं होगा, अंदर तुम्हारे पास हो रहा दरवाजे पर, तो अब नहीं किसी को मालूम तो कोई क्या करेगा। अब तो हम बता करके आए, दो लोग यहाँ अभी आए, कर्नाटक से भी आए, महाराष्ट्र से भी आए, ये चलो सत्संग सुने आगे, दो दिन का ही मिल जाए, एक ही दिन का मिल जाए सत्संग, दो ही घंटे का मिल जाए,
लौट जाएंगे, तो इतनी दूर से आए और एक देर रहे और वापस चले गए, तो अपना सौभाग्य समझते कि हमको दर्शन हो गया और हमको सत्संग मिल गया और उनको मिला। जब वो प्राप्त कर रहे तब तो दौड़ेंगे ही, इसलिए आप बड़े सौभाग्यशाली, बहुत उत्तम भाग आपका जा गया कि सत्संग भी आपको, अभी तो हमने कुछ नहीं सुनाया, आपको सिर्फ संकेत दिए, सुनाने में थोड़ा सा सुनने वाला जो होगा थोड़ा ठहर के सुनेगा, क्योंकि अगर सत्संग सुनाए तो हजम नहीं होगा, क्योंकि जब कोई चीज बच्चा जो बैठा है, एक बच्चा आठवें दसवें में पढ़ रहा, उसको अगर BMA की किताब बताइए तो उसको क्या समझ में आएगा। यह अध्यात्मवाद है, ये मतलब ये अंदर अंदर का राज है, रहस्य है, इसको अगर सुनाने लगे और आपने कभी सुना नहीं तो आपको क्या मालूम ऐसे बैठे रहे। तो उतनी बात कही गई जितनी आप उसको हजम करें और उसको पकड़ लें, उतना आपके सामने कहा, ज्यादा नहीं कुछ कहा, यह किसी के पास नहीं। तभी तो मैं कहता हूं कि भाई घर बार छोड़ना नहीं, ये घर ही में पार हो, घर ही में कर लो, घर ही में घाट ढूंढ लो, घाट में बैठ जाओ, सूरत का मंजन करो, आँख खोल लो, कान खोल लो, घर ही में नाम पकड़ लो और घर ही से रह करके पार हो जाओ, निकल जाओ अपने घर, अपने देश में। लेकिन ये समझ कर कि मैं बाहर जाऊंगा भजन करूंगा तो भजन नहीं हो सकता, बाल बच्चे काम धाम छोड़ करके घर के बाहर चले जाओगे तुमको कभी परमात्मा मिलेगा ही, इसलिए ये रहो, घर बैठे मिलेगा, रास्ता भी मिलेगा, बताने वाला मिलेगा और कराने वाला, और रास्ते पर चल दो तो काम बन जाएगा। इसलिए तो मैं तो बैठ गया था कि सुबह क्यों खराब समय किया जाए, कुछ उनको सुनाया जाए, कुछ सुना दिया जाए, तो आप इतनी बात हमारी जगड़ के पकड़ के रखो कि जो भी कर्म करोगे अच्छा बुरा, तो अच्छे का तो आपको फल पहले नहीं मिलेगा, इसको समझ लो कि जैसे पुण्य किया और पाप किया तो पुण्य का फल पहले नहीं मिलेगा, जमा रहेगा, पहले जो आपने पाप किया है उसको पहले भोगो, उसकी सजा पहले, चाहे वो पशु पंछी में ले जाए, कीड़ों में ले जाए, जल के चीजों में ले जाए, चाहे नरकों में ले जाए, वो पहले भोगना, और जब वहाँ कट जाए तब फिर आकर के फिर आपको ये पुण्य का फल मिलेगा। हिसाब करने वाला जितने आजादी दी है और बहुत होशियार है, उसने कितने युगों तक आराधना की है, समय लगाया और मालिक को खुश किया, खुश हो गया उसने ये सब इतना वरदान मांगा, तो मालिक ने दे दिया, मालिक को क्या, उनकी मौज थी, इच्छा थी कि ऐसा विस्तार कर दें तो विस्तार किया, मतलब ये ऐसा नहीं कि मालिक समझते नहीं थे, समझते थे दोनों, इन जीवात्माओं के लिए तो रास्ता आने और जाने का रखा, उनके लिए नहीं रखा, जो पहले 16 को भेजा उनके लिए नहीं, वो नहीं जा सकते। जब महाप्रलय आती है, महाप्रलय आई तो उसमें क्या होता है कि जितने भी साधक वो तो पहले चल देंगे, निकल जाएंगे, फिर इसके बाद में जो पुण्यात्माएं होती है, शुभ कर्म करती है, कोई कोई उनमें से वो चली जाएगी, पुण्यात्माएं निकल जाएगी, फिर यहाँ पृथ्वी में आपको अनाज नहीं मिलेगा, पेड़ों पर पत्ते नहीं मिलेंगे, कि अनाज न मिले तो पत्ते का आगे जिंदा रह जाएंगे तो पत्ते खत्म, जानवरों के लिए कोई चारा नहीं मिलेगा तो तड़प तड़प करके बड़ा दुखद दृश्य होता है रुदन वाला, ऐसे तड़प तड़प करके, मौका पा जाएगी
तो स्त्री अपने बच्चे को काट के खा जाएगी। मौका मिल गया और पति सो गया है तो उसको काट देगी और उसी का मांस खा जाएगी। ये आदमी पा जाएगा तो स्त्री को काट देगा। उस वक्त में कुछ नहीं, यह हाल रहता है। तो इस तरह से तड़प तड़प करके ये पत्थर पहाड़ जितने भी है, जब वो शब्द बंद करता है तो बिल्कुल से राख एकदम से सारा जलमग्न पूरा का पूरा। तो जितने भी मतलब ये है कि जल में जीव रहते थे, अब वो थल में, तो थल के जीव जल में चले गए। तो तड़प तड़प करके उनको कोई आधार तो मिला नहीं पानी से बाहर जाने का, तो पानी हो गया, जली हो गया। तब कोई आदमी नहीं, कोई जानवर नहीं, तब पत्थर जितनी भी जमीन ये जो कुछ भी है सब गल करके राख, तब पानी बन गया पूरे सारे संसार। और फिर क्या हुआ कि अग्नि ने पानी को सोखा, तो नीचे जल में पानी में जीव है, तो वो तड़प तड़प करके किस तरह से तड़पते हैं, वो मतलब ये है कि शरीर का पायमान जब पूरा जल सूख लिया, उठ चला वहां से, शब्द बंद किया तो उठ चला, देर क्या लगती, वरुण वायु ने अग्नि को सोखा और वायु को आग्रह से, और आघात को महादेव आद्या मा शक्ति ने समेट लिया, फिर ऊपर में ईश्वर ने यानी मतलब खुदा ने समेटा, तो उसके बाद में ब्रह्म ने, ऐसे समेटते हुए सब चले जाते हैं, किसी को पता नहीं, कुछ नहीं रहता। यह आएगा तुम्हें, आता है लेकिन समय देर में आता है, आपको तो मालूम नहीं है। यह बात जरूर है कि जितने भी नरक के जीव 84 के इतनी तकलीफ होती है, इतना कष्ट होता है कि वो सब उसी में भुगा लिया जाता है, तब उनका शरीर छूटेगा। इतनी यात्रा होती है जो कहीं नहीं जा सकती, लिखी नहीं जा सकती। तो कर्म जब भोग लेते हैं तब नहीं जाते, ये सब किताब मिट्टी, ये सब झूला राग, अब जल भगवान जल उड़ गया, अग्नि ने अग्नि को, वायु ने वायु को, ऐसे ही सब मिटता चला जाता, कुछ नहीं बचता। और कब फिर प्रसार होगा ये कुछ नहीं कहा जाता, ये कुछ नहीं। इसलिए जो महापुरुषों ने देखा है कि महापुरुष कब आए, उसी को फकीरों ने देखा कि क्यामत कब आएगी मालूम, उसको क्यामत कहते हैं, अपने महात्मा पर लेते हैं। जब विस्तार हुआ तो इसका समय निश्चित है, कहते दिन के बाद में महाप्रलय हो जाएगा, लेकिन देर लगती है। आपने तो ये कभी सुना नहीं कि ऐसा, और तो आप कहते हो बस हमारा है, तुम तो आए हो दूसरे की चीज लेकर बैठे हो, चिल्ला रहे हमारी हमारी, उसको गाली दे रहे, और तुमसे छीन लेगा सब ले लेगा, और याद रखवा लेगा, जाओ जाओ वहाँ हिसाब हो जाएगा, बस तुम्हारा कुछ नहीं है। तुम ऐसे ही रोते रोते गए और रोते जाओगे, और रो रहे हो अभी, रो रहे और रोते हुए आए, जब पैदा हुए तो रोते हुए, अभी तो रो रहे और जाने के वक्त रो रहे, तुम्हारा रोना कब बदलगा। दूसरे की चीज को आप पकड़ोगे तो रोना ही पड़ेगा, अपना शरीर भी अपना नहीं, सामान भी अपना नहीं, उसको निकाल देगा जीवात्मा को, ये पड़ा सामान ये पड़ा निकाल देगा, तो आपका कब है। अगर आपका होता तो दौड़ के बच्चा बचा लेता, बाप माँ को बचा लेता, पत्नी को बचा लेता, इतनी दौड़ के जाती पति को बचा लेती, वाह। तो इसलिए समय यानी आपके लिए जल्दी है कि अभी आने वाला समय खत्म होने, तो आप अपने समय जो बचा है उसी में ही भजन कर लो। ये सच्चा भजन, इसमें झूठी उठी चीज कोई नहीं, सच्ची चीज है घाट पर बैठ के और भजन कर लो, कान खुल जाए, आँख खुल जाए तुम्हारी, नाक खुल जाए, चलो।
थोड़ी मेहनत शुरू में जरूर करनी होती है, वही चीज तुम्हारे लिए थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी निमित्त मात्र, और वो फिर सुलभ हो गया। इधर से मन बुद्धि चित्त को जो भागते हैं ये सब चीजों से ढीला कर, और इधर में सूरत के साथ इनको लगा दो, भाई इतना ही करना और कोई तकलीफ नहीं, शारीरिक कोई कष्ट, स्वास्थ्य आता जाता आने जाने दो, सोते में आता जाता है, काम करते में आता जा, खाते में आता जाता है, ऐसे ही भजन में आ जाए जाएगा, उसको रोकने की जरूरत ही नहीं है। आप मतलब मन है जो इसमें फंसा हुआ और ढूंढ रहा है, तो इसमें कुछ नहीं मिलेगा। जहाँ मन की मदद तुरंत को मिली कि फौरन रगड़ा पड़ा और सफाई हुई, वही साफ हो जाएगा तो नाम पकड़ लेगा, फिर कुछ नहीं। जब उसको रस मिलने लगा तो मन बिल्कुल चुप हो जाएगा, क्योंकि उसको रस मिला, उसको अमृत पीने को मिलने लगा, खूब पिएगा, अमृत तो ऊपर से चू रहा, जैसे टोटी खोल दो ऐसे, जब वो द्वार खोलता है टोटी खोल दी जैसे चलता, खूब पीते, तब जाकर के चक जाते, तो तृप्त हो जाते, इधर इच्छा नहीं रहती। ये वैसे मन इसीलिए लगाया गया, इसको रोक करके रखे, वो कोई सूरत नहीं है, कोई जीवात्मा कोई रूह नहीं है, लेकिन वो वहां का तत्व है, चेतन के साथ में मतलब चेतन हो रहा। अगर वो हरकत वहां से करता नीचे आता तो कोई बात नहीं थी, वही जहां से ये लगा है वहीं से है, और ये चाहता है कि हमारा आनंद हमको मिल जाए, तो इसको जब अपने स्थान पर पहुंचा दोगे, बुद्धि अपने स्थान पर, चित्त अपने स्थान पर, ये पहुंच जाएंगे तो बस चुप हो जाएंगे, फिर ऊपर अकेले सूरज जाएंगे, फिर उसके पीछे कोई झगड़ा नहीं, खाली अकेली रह जाएगी, सर धोरिए आगे चल कर के ब्रह्म के बाद जब पार उतरेगी तो सर्द्रूप हो जाएगी, फिर कुछ नहीं, पार उतर जाएगी, भवसागर से पार उतर के जाएगी, और वहाँ पदम प्रयाग अगम पूर्वासा, वहाँ प्रयाग है, ये संसार के करोड़ों ऐसे बना दिए जाए और वहाँ जोड़ दिए जाए, इतना बड़ा परम प्रयाग चौड़ा पाठ, वहाँ तुरते पहुँच करके स्नान करते, तब वो अगमपुर जाती है अपने देश। जब तक प्रयाग में स्नान है, तुरंत लाए जो चढ़े आकाशा, यहाँ से जो आकाश में चढ़ता और चला जाएगा वहाँ पार ब्रह्म के ऊपर, वहाँ जा करके प्रयाग है, उसमें स्नान करती है तो उनको ताकत आ जाती है प्रकाश सहन करने की और शब्द सुनने की। प्रकाश बहुत है और शब्द बहुत है, दोनों में सहन हजम हो जाता, फिर ये बर्दाश्त कर लेती, और जब तक उसमें स्नान नहीं करेगी तब तक वहाँ का शब्द वहाँ का प्रकाश बर्दाश्त नहीं हो सकता। तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा, सूरत लाए जो चढ़े गाथा, यहाँ से जो सूरत को नाम के साथ चढ़ाएगा ऊपर को, वो जाएगा आगमपुर में, वहाँ वो बाता करेगा, वहाँ प्रयाग में नहाएगा, तब जाएगा, तब वो अपने देश जाएगा, अपने घर सर ठंड जाएगा, ऐसे नहीं जा सकता। कहा तो उन्होंने ब्रह्मांड की सब बात, लेकिन वो कुछ ऐसा है कि पिंड ब्रह्मांडे सो अंडे सो पिंडे, जो ऊपर है उसकी छाया है, तो उन्होंने ऊपर का तो नाम लिया, लेकिन यहाँ छाया का भी नाम, तुम समझते हैं यहाँ यहाँ नहीं। उन्होंने रामायण में कुछ भी नीचे का नहीं लिखा, सब ऊपर का लिखा उन्होंने, न रामन लिखा न राम लिखा, न वो केकई है न भरत है न वो शत्रुघ्न है, ये कुछ नहीं, उन्होंने ऊपर का लिखा, आप समझ गए नीचे का उलझ गए, इसलिए रामायण समझ में किसी की आ नहीं सकती। जिनकी आंख है वही वो तो कह सकता है, दूसरा कोई नहीं, आंधा आदमी कभी नहीं। बोलो जय गुरुदेव। अब आपको धूप लगने लगी, हमको तो डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया कि आप 5 मिनट भी धूप नहीं बैठ सकते, क्योंकि इसमें जहर फैल गया था
तो बड़ी मुश्किल से निकला और आपने फैला दिया। हमारा शरीर भी कुछ ठीक था, अगर ये पैर नोचते नहीं तो मैं मुझे कोई तकलीफ नहीं थी। इसमें आपने खून निकाल करके कभी इधर नाखून मारे तो उससे ये हो गया, तो डॉक्टर ने कहा तुम नहीं बैठ सकते, अब क्या करें। तो आपको मतलब ये है कि जब दौड़ा किया तो ये कुछ सुना ना, तो बहुत बचत की है, लेकिन कहीं कहीं जैसे भी हो गया। मैं वैसे ठीक हो जाऊंगा तो आपकी सेवा करूंगा। मैं कौन हूं? पक्का आपका सेवक, महात्मा नहीं गुरु नहीं, मेरे समझ लो मैं आपका पक्का सेवक। क्या करता हूं कि मन को बुद्धि को चित्त को और ये जीवात्मा बैठी अंतःकरण इसकी रगड़ाई करता हूं, सफाई। तो कुछ आप सामने बैठो तो कुछ तुम भी करो, उसमें कुछ हम भी रगड़ा मारे तो जल्दी ये शुद्ध साफ हो जाए। तो मन निर्मल, बुद्धि निर्मल, चित्र निर्मल, स्वरत निर्मल, सो जन मोह पावे। वो मनुष्य वो इंसान मुझे पा सकता है। और जो छल छिद्रों से, कपट से, फरेब से, गुनाहों से भरा हुआ मुझे कभी नहीं मिलेगा। तो मैं तो सेवक हूँ, मैंने कहा ही कहा, मैं हमेशा कहता रहता हूँ, वही जो मन बुद्धि चित्त अंतःकरण जीवात्मा की जो धुलाई करे तो सेवक ही है। वो महात्मा कब है? आप अपने भाव से जो चाहो तो कहो, हमारा भाव ये। गुरु महाराज कहते थे कभी महात्मा मत बनना, बताते थे जब ये चीज बांटो तो सेवक बनना, सेवक सदा रहना, महात्मा मत बनना। जहां तुमने कहा गुरु हम, तो तुमको नरकों में जाना पड़ेगा। तो बताओ जब हम ये कहें तो हमको जाना, तो फिर मतलब हमको फायदा क्या? सेवक। इसलिए आप शाम के वक्त में चार बजे तो धूप चढ़ रही है, उस वक्त में नीचे जाएगी, तो 4 बजे सत्संग होगा और उसी समय पर समापन का कार्यक्रम हो जाएगा। समापन का यहाँ हो जाएगा, क्योंकि यही के लोगों ने कहा कि हमको समय दे दीजिए, तो मैं तो कहीं भी रुक सकता हूँ, मुझे क्या है तुम्हें पास तो तब है, मतलब यहाँ कहाँ लगाओ, यहीं चलो, यहीं पर ट्रैक्टर खड़े करो और भंडारे लगा दो, वहीं कर दूंगा, हमको क्या परेशानी। वो तो सब साथ साथ चल रहा, समझ गए, पजा दो भंडारे चल रहे ज्यादा। और आपको ये सोचना चाहिए हमारे तो, लेकिन यहीं के लोग कहा अच्छी बात। तो ये है कि अब उधर में सैपाई की तरफ जगह नहीं मिली, इतनी की बैठने की जगह हो तो देख दिया आप, ये कितना अभी शाम को देखिएगा। तो ये जगह नहीं मिली, इसकी वजह से ये कुछ हिस्सा मैनपुरी और कुछ हिस्सा सैपाईगा। इधर मैनपुरी लग जाएगा करेल, इधर में मतलब ये अगटावा लग जाएगा। अब ये कार्यक्रम होना चाहिए, ये वो क्या चीज, अब सबको लाभ हो, ये थोड़ी के मतलब ये करेल के छूट जाए या मैनपुरी के छूट जाए, ये टाप है। अरे हमारे लिए आदमी होना चाहिए, हमको इससे क्या मतलब, जमीन है उसमें बैठ कर के तुमको ये चीज जब उलग मिली तो वो देना चाहते, ये ठीक है, जमीन ऐसी चीज में पवित्र होती है, ये बात सही है। जहाँ महापुरुष पग रखते हैं जमीन पवित्र हो जाती है, जहाँ रहते हैं अति पवित्र, ये बात तो सही है। लेकिन यह है कि लोग उस भूमि का लाभ उठाए तो बहुत कुछ, नानक जी आए उनके बाद में 10 यानी पूरे महात्मा 10वें बाद में पूरे, कबीर जी आए उनके बाद में कई पूरे हो गए, तुलसीदास जी आए, मीराबाई आए उसके बाद कई एक पूरे हुए, वो तो थे ही पूरे,
तो बहुत महात्मा आए, बहुत जीव गए, जो वहां पहुंच गया वही महापुरुष हो गया, जो वहां नहीं पहुंचेगा वो महापुरुष नहीं है, पहुंच जाएगा वही। तो बहुत जीव यहां तक गए, तो जब कलयुग में गए थे आत्मवर्तों के अंदर, तो क्या आप नहीं जा सकते? तैयार हो जाओ, मचलते क्यों? हमारा ये चला जाएगा, हमारा ये चला, हमारा वो तो सब जाएगा। हम अगर ना भी सुनाए तो वो अचानक में आकर के सब ले लेगा, तब तुमको दुगना दुख होगा। अभी तो तुमको समझाएंगे तो तुमको बहुत कम होगा, और उधर से बात ना हटाओगे, भाई बात तुम हमारा तो नहीं है, और शरीर भी हमारा नहीं, तमन भी हमारा नहीं, ये भी हमारा नहीं, तो कम हो जाएगा, उससे तकलीफ आपको कम होगी। और अचानक में कहा चलो निकलो तो एकदम बासना लड़ेगी, तो बड़ी मार पड़ेगी। तो ये बात तो है, इसलिए धीरे 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 तुम्हारा सिमटाओ, मन का, चित्त का, बुद्धि का धीरे धीरे सिमटाओ इधर, और इधर लगा करके ऊपर ले जाना, क्योंकि ऊपर इसका स्थान है, बुद्धि का अलग भंडार, चित्त का अलग है, मन का अलग भंडार है, काम का अलग, ये सब अपने अपने भंडार में जब वहां मिल जाएंगे तो सूरज अकेले हो जाएंगे ऊपर जाने, उसके साथ में कोई नहीं रहेगा, बस उसके साथ शब्द इस पर रूप रसगन। और वो भी जब त्रिकुटी में ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ, तो वह जो ऊपर बैठे हुए गुरु महाराज, तो जो वहां से पार उतरे वह सागर पार हो गए, इधर लौट के नहीं आना, निकल गए। आपको ये भेद नहीं मालूम, तो बहुत अच्छा हुआ कि आप सब लोगों ने अपना अपना बहुमूल्य समय आपने दिया। पूरी बात को सुन लेना जरूरी है, जब पूरी बात सुन लोगे, और हम तो किसी के बारे में पहले भी हम जब चिंतन करते थे तो सिर्फ भविष्यवाणी सुनाते थे, उसमें किसी की कोई बुराई नहीं थी, किसी की कोई, लेकिन लोग समझते जब भविष्यवाणी कर दें तो लोग समझे कि हमारी बुराई कर रहे हैं। अब हमने सब खत्म कर दिया, कोई कुछ नहीं, अब तो ये बताना है कि तुम लाख, तुम करोड़ और तुम अरब इकट्ठा करो, जो कुछ भी ये सब तुमने समय लगाया ये बेकार, उस सामान का कोई उपयोग नहीं तुम्हारे लिए, और तुमको ले जाएगा खाली, उसका कोई लाभ नहीं, जो तुम्हारे काम नहीं आया वो बेकार, उसको आपने इकट्ठा कर लिया, वो दब मन का धन है, मन का सामान, और वो निकालेगा जब इतने तो वस्त्र। अब ये कहना कि तुम्हारे पास बचेगा कुछ, कोई चीज साथ नहीं जाएगी, एक सुई की नोक, एक बालू का कण भी तुम यहां से नहीं ले जा सकते हो, और यही पर तुमको क्या करेंगे, उठाएंगे, यानी मतलब घिड़ा के साथ, और लेकर के ले चलेंगे तो गड्ढा खोद करके गाड़ देंगे, उधर लकड़ियों पर बिल्कुल नंगा करके रख करके और फूस लगा के आग लगा देंगे, फूंक देंगे। ये तुमको सोचना चाहिए कि साथ कोई चीज नहीं गई, न जमीन, न मकान, न सामान, न रुपया, न पैसा, न दोस्त, न पुत्र, न बच्चे, न कच्चे, न इतनी कोई, अकेला आया अकेला। अब ये बताना, तुम चाहे इतना जोड़ लो, मार डालो इन सबको, इन सबको खत्म कर दो, ये इटावा खत्म करो, मैनपुरी सबको मार दीजिए आप, और सब ले लीजिए, तुम्हारे साथ कुछ नहीं। अभी वो तुम्हें आ रहा, देर क्या लगती है? आया, मतलब ये है, फिर राजा की तरह से जैसे उसकी दुर्गत हुई, उसने कहा था उनके आत्माओं को तुम आराम से रखना, वो बात तो नहीं, इसी तरह से सब छीना झपटी कर रहे हो। अब मुझको ये बोध कराना, अब आपको ये बताना है, कुछ नहीं रहेगा तुम्हारा, तुम्हारा कुछ है, पहले भविष्यवाणी तो खत्म कर दी, तुम एक भी नहीं सुना सकते, उसकी हवा भी नहीं लगेगी। अब ये बताएंगे जीवात्माओं के जगाने का, तो चीज इतनी है कि धीरे 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 मजबूत आप हो रहे, मजबूत हो जाओ। हम ये चाहते हैं कि ईमानदारी मेहनत के साथ सब लोग सब जगह काम करें, जितने उसकी दुआ मिले, आशीर्वाद मिले और बरकत मिल जाए, तो आपका जो बाहर से कष्ट है उसका निवारण हो जाए, क्योंकि लड़का बीमार, लड़की बीमार, स्त्री बीमार, तो पिता बीमार, तो भाई बीमार, अब बड़ी परेशानी, क्या करें? अब उधर उधर अब पैसा देखते,
उधर पैदा नहीं है वो भी, तो हम क्या करें परेशान। इसलिए हम चाहते हैं कि इनको बरकत मिल जाए। तो ईमानदारी मेहनत से सब जगह सुख मिलेगा। जब बरकत मिलेगी तो सब तरह का सुख आराम मिलेगा, और महात्मा मिल गए तो रास्ता मिल जाएगा, तो जब भजन करोगे तो आनंद मिलेगा, तब वो सागर से पार। बगैर महात्मा और बगैर रास्ता पाए कोई नहीं जा सकता। इसको आप समझिए, बोलो जय गुरुदेव। शाम को जो लोग नए आएंगे नामदान हो जाएगा, शाम को दे देंगे, सुबह नहीं शाम को, शाम को दे देंगे आपको नामदान। बहुत से लोग आएंगे कि भाई हम जाएंगे तो वो नामदान ले आएंगे, लोग जो है आ रहे। असल में आज ही समापन था, तो कल तो था नहीं, कल तो पहुंचना था, कब पहुंचेंगे। रास्ते में लोग बड़ी मुश्किल से, रास्ते में कतारें लगी है, रोक दीजिए सामने, बिल्कुल लेट जाते हैं सड़क पर, गाड़ी जाने नहीं देते, बहुत हाथ जोड़ते हैं, बड़ी मुश्किल से। ये हालत इतनी होगी, हर थाली में इतनियाँ साफ आरती लिए हुए, उसमें सामान आमान फूल क्या क्या रखे हुए आरती कर रहे हैं, और आगे रोकती है, बड़ी दिक्कत। तुम चलो तो हम तुमको दिखाएं, हमारे साथ चलो, हम रास्ते में दिखाएं तुम, गाड़ी आगे रखेंगे और दिखाएंगे, देखिए क्या होगा, ये हो गया रहा। तो अब यह है कि धीरे धीरे कब पता नहीं कब पहुँचे, लेकिन बहुत। अब उधर में मतलब ये है कि 4:30 बजे निकले, बल्कि पहले ही निकल गए। बोलो जय गुरुदेव। आप खड़े हो जाओ, अरे भाई जरा बैठ तो जाओ, भजन करा दिए। हाँ अरे तुम कैसे सुस्त हो गए, बैठ जाओ, अरे सुनो तो जरा, खड़े हो, अरे बैठने में क्यों, बैठ जाओ जरा, अरे तुम्हारा नाम ना कट जाए, बैठ जाओ इतनी जल्दी। हम आपको देख रहे बहुत देर हो गई, तो आपके पैर थक गए, हमने कहा इनको खड़ा होकर के जरा सा ठीक हो जाए, तो तुमको खड़ा किया, तुम ऐसे कैसे समझ गए, बैठ जाओ, जब हम उठे तब उठना, बैठ जाओ सब, सब कैसे बैठ जाओ। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। दाम अपने चलो भाई, धाम अपने के लिए हम बाहर जाना चाहते, कहाँ रह देते हो। तो हमने कहा कि तू जरा ठहरा रहो, बाद में चला जाना। कह लगे नहीं, इस वक्त में हमारा सिलसिला जाने का बन गया तो मैं जा रहा हूँ, तो मना करें तो नहीं माने। अब हम उसके हित के लिए मना करें, हमने कहा भाई वहाँ कोई घटना हो जाए तो फिर तुमको बड़ी मुश्किल होगी, बहुत कठिन होगी। बिल्कुल साफ साफ उनको बताएं कि वहाँ घटना होगी तो तुमको बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब वहाँ जब घटना हुई तो पैसा बैंक से या पैसा कहीं भी जमा या मकान नहीं बिकेगा, सामान नहीं, और सीधे जाओ, कोई सामान नहीं ले जा सकते, जाओ। अब हिंदुस्तान ने कहा कि हम जहाज भेज रहे हैं, पर तो कुछ लेकर के नहीं आए, बस खाली खाली ऐसे ही हर रोज तरीके रक्षा के लिए मिले। पुराना तो वो भोगोगे, अब नया काम करोगे तो फिर कर्म आपका बनेगा, जब कर्म बन जाएगा तो हिसाब किताब होगा, तो फिर से हमारी प्रारूपण बनेगी। ऐसा काम करो, अब पीछे जो किया था उसकी तो प्रारंभ बन गई, किस्मत बन गई, तो आप उस पर धोखा मार ठोकर मारते हो, हम इसको नहीं मानते, तो जाओ भाई। अब उनको अब उन्हें पूछा कुछ लिया, तू बेकार करके आए, कुछ लिया, कुछ नहीं लिया, वही काम यहाँ करता तो तेरे काम पर बच्चों का काम आता, अब वहाँ कुछ नहीं आया। तो इसलिए धाम अपने चलो भाई,
बराए दे नहीं रहना। अब तुम्हारा धाम तो सत्यदेव है, सतलोक है, तुम चलो वहां, वहां आराम से रहना, वहां कोई नहीं निकाल सकता, वही तुम्हारा अस्थाई है, अचल है। और जन्म मरण से परे वहां सब तरह का सागर आनंद का और दर्शन दीदार करो। यानी काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं पसना। अब ये पराया काम है, मकान बनाओ, ये बनाओ और ये बनाओ और ये बनाओ और ये जमा करो और इसको रखो, ये पराया काम। अरे आपने अपना काम और जीवात्मा को घर जाने लगा कुछ किया? इधर ले जाने के लिए आपने कोई साधन कुछ बनाया आपने कि कैसे चलोगे? ये सब इकट्ठा करते रहे, बनाते रहे इसी में अपना, और तब तक उसने कहा चलो निकलो, तो आपका तो काम सब रह गया। वो पराए काम को अपना समझते हो। काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फसना। बस सुमरन ध्यान भजन ये तुम कर लो, ये तुम्हारा तुम्हारी जीवात्मा का असली काम, और बाकी सरणित ये तुम्हारे काम नहीं आएगा। और रोज का जो सामान हो तो प्रारब्ध में ही, वो तो ना भी करो तब भी मिलेगा। आप जो कुछ और करोगे तो उतना ही करो जितना प्रारब्ध बन जाए, ये विराज बेकार करोगे तो कुछ नहीं। गुरु का नाम संवाले चल, गुरु का नाम संभाले चल, यही है दाम घट बंधना। अरे जो नामदान बच्चों मिला है ये तो गांठ में बांध लो, ये असली चीज ये है, इसको गांठ में बांध लीजिए। जैसे वो कंगाल जब पैसा पाता है तो ऐसे, और फिर टेट को इस तरह से अंटी में से निकाल के देखता और फिर रख लेता और फिर देखता और फिर रखता, ओ गरीब। तो ये तो मतलब है कि कंगाल हो, तुमको जो दिया गया रोज देखो कि हमसे गिर तो नहीं गया, अरे छूट तो नहीं गया, अरे हम भूल तो नहीं गए, गांठ में बांध लो, यही दाम है, इसी से तुम पार हो गए। तो तुम इसको भी भूल गए तो फिर गया, फिर क्या करोगे? जगत का रंग तब मेला, जगत का रंग सब मेला, दुलाले मान यह कहना। ये जगत का जो काम करते हो ये मैल है, ये यहां चढ़ जाएगा तो आप महापुरुषों से प्रार्थना करो कि हमारा ये धो दीजिए, शुद्धि दबाई कर दीजिए। तो वो तो इसीलिए आता ही है, तुम तैयार हो जाओ, तन को मन को अपने कपड़े को दे दो, ये तन को दे दो मन को दे दो, तो ये तुम्हारे कपड़े को लेकर के भीज पाच कर बिल्कुल साफ करके छोड़ दे दें आप। तो तुम न मन देते हो न तन देते हो, दोनों में से कुछ भी नहीं। और मन ही मतलब ही है कि बड़ा गंदा है और तन जिस पर बोझा लदा हुआ, फिर कैसे शुद्ध होगा? उनसे कहो तन मन दो दे दो, हम सफाई कर देंगे। तो जिन्होंने तन मन दे दिया उनकी शुद्धि दफाई हो गई, जो नहीं देते संगा तंगा के देश में परे फंसे रहते हैं, उनका काम नहीं बनता।
अब ऐसा है कि थोड़ा सा जरा भजन पे बैठ जाओ, दोनों आंखें बंद करो, दोनों कान बंद करो, ऊंचा ध्यान दे करके देखो इधर, यह आंख भी बंद और कान भी बंद। अभी तो आप ऊपर से ऊपर बैठे हो, लेकिन ऐसे बैठ सकते थे बड़े आराम। अभी कैसे बैठोगे? अभी तो ऐसे है, ऐसे बैठ जाओ।